नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम फिल्मी महासागर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की 14 ऐतिहासिक फिल्मों के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सन 1941 में बनी थी फिल्म सिकंदर। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर महान का किरदार निभाया था और इस फिल्म के निर्देशक थे सोहराब मोदी। और दोस्तों सन 1953 में आई थी फिल्म झांसी की रानी, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित थी। इस फिल्म का निर्देशन भी सोहराब मोदी ने ही किया था और उनकी पत्नी मेहताब ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। दोस्तों फिर सन 1960 में बनी थी फिल्म मुगल-ए-आजम। ये फिल्म मुगल राजकुमार सलीम और दरबारी नर्तकी अनारकली के प्यार पर आधारित थी। इस फिल्म के निर्देशक थे के आसिफ। इस फिल्म में सलीम की भूमिका दिलीप कुमार, अनारकली की भूमिका मधुबाला और बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी पृथ्वीराज कपूर ने। इसके बाद सन 1983 में आई थी फिल्म रजिया सुल्तान। इस फिल्म का निर्देशन किया था कमाल अमरोही ने। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रवीण बॉबी ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्म दिल्ली की इकलौती महिला सुल्तान पर आधारित थी जिसे एक दास से प्यार हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सन 2001 में बनी फिल्म अशोका की। जी हाँ, जो कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक पर आधारित थी और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान, जिन्होंने सम्राट अशोक का किरदार निभाया था। सन 2005 में आई थी फिल्म मंगल पांडे। क्रांतिकारी मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का बिगुल फूकने के लिए भी जाना जाता है। इस फिल्म में मंगल पांडे का किरदार निभाया था आमिर खान ने। वहीं रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल और ओमपुरी ने भी अहम भूमिकाएं अदा की थी। दोस्तों सन 2008 में बनी थी फिल्म जोधा अकबर। इस फिल्म में बादशाह अकबर का किरदार निभाया था ऋतिक रोशन ने और महारानी जोधाबाई का किरदार निभाया था ऐश्वर्या राय और इसका निर्देशन किया था आशुतोष गोवारीकर ने। सन 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी, जो कि मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के ऊपर आधारित थी। संजय लीला भंसाली निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव की पहली पत्नी का रोल प्ले किया था। दोस्तों सन 2018 में आई थी फिल्म पद्मावत। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। फिल्म की कहानी रानी पद्मावती पर आधारित थी। इस फिल्म का निर्देशन भी संजय लीला भंसाली ने ही किया था। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। दोस्तों सन 2019 में आई थी फिल्म मणिकर्णिका। जी हाँ, ये भी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ही आधारित थी, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी कंगना रनौत ने। फिल्म की कहानी सन 1857 की क्रांति के इर्द गिर्द घूमती है। सन 2019 में ही एक और फिल्म बनी पानीपत। इस फिल्म का निर्देशन किया आशुतोष गोवारीकर ने। इस फिल्म में 17वीं शताब्दी में अफगानी सेना मराठाओं के बीच हुई जंग को दर्शाया गया था। फिल्म पानीपत में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी अर्जुन कपूर, संजय दत्त और कृति सेनन ने। और दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई है अजय देवगन अभिनीत फिल्म तानाजी। इस फिल्म के निर्माता स्वयं अजय देवगन ही हैं और काजोल व सैफ अली खान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों अभी आने वाले समय में दो और ऐतिहासिक फिल्में करण जौहर की तखत और अक्षय कुमार अभिनीत पृथ्वीराज चौहान भी आने वाली है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।